YouTube फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या आप गिरते बालों से परेशान हैं? क्या आपके रूखे सूखे बाल हैं? तो जनाब साहब, आप सही जगह पर बैठ के सही वीडियो देख रहे हैं और सही इंसान की वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको के सब मसले हल होने वाले हैं। छू मन पे छू। चलो जी, सबसे पहले हम करते हैं, मैंने प्रॉपर चार्ट बनाया है जहाँ पे आपको एक महीने का मैंने आपको चार्ट दूंगी, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ऑयलिंग किस तरह करनी है। चलो जी, देखते हैं ऑयल किस तरह बनाना है हमने। अब हम लोग तेल बनाते हैं, ठीक है? बड़ा ज़बरदस्त ये तेल है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे आपकी फ्रिजनेस भी कंट्रोल होगी और हेयर फॉल भी कम होगा। 90% लड़कियों के मसला हल हो जाएगा, ठीक है? चले जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कास्टर ऑयल, 2 टेबलस्पून फिश ऑयल, 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 4 हेयर सॉफ्ट कैप्सूल। सबसे पहले कास्टर ऑयल की बात कर लेते हैं। मैं ये यूज़ कर रही हूँ मरहबा का, ठीक है? कास्टर ऑयल ये हमने 1 टेबलस्पून लेना है। उसके बाद ये फ़िश ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फ़िश ऑयल आप लोग पंसार की दुकान से ईज़ीली ले सकते हैं। मैं 250 की इस तरह की मुझे 3 बॉटल्स मिल जाती हैं, क्योंकि हर जगह का रेट डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आपको मिल जाएगा इतने का ही, मुझे 250 की इस तरह की 3 बॉटल्स फ़िश ऑयल की मिल जाती है। इसका कोई ब्रांड नहीं है, लोकल मिल जाता है। किसी ब्रांड का मिल जाए आप किसी ब्रांड का ले लें, बस फ़िश ऑयल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बारी आती है ऑलिव ऑयल की। ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ चल्तान प्योर का, ठीक है? इसका अगर लिंक डाल दूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, बाकी किसी का लिंक नहीं है, सिर्फ इसका लिंक है। ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं या आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, पंसार की शॉप से मिल जाएगा। फ़िश ऑयल भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा लेकिन महंगा मिलेगा, इसलिए पंसार की दुकान से ले। पंसार की दुकान उसको कहते हैं जहाँ पे आप लोगों को जड़ी बूटियाँ वगैरह सारी मिल जाती है ना, जो कुछ लोग पूछ रहे थे पंसार के से कहते हैं। अच्छा जी, अब बात ये हेयर सॉफ्ट कैप्सूल्स की बारी। इस तरह के होते हैं हेयर सॉफ्ट कैप्सूल्स, ये आपको किसी भी लोकल कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे या अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। इसका कोई ब्रांड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस आप लोगों को हेयर सॉफ्ट कैप्सूल्स चाहिए। इस तरह के होते हैं, ये आप लोगों को 4 चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने उनको जाके कहना है हेयर सॉफ्ट कैप्सूल दे दे। ज़रूरी नहीं है इनका कलर येलो हो, वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होना चाहिए हेयर सॉफ्ट कैप्सूल्स, ठीक है? अब हम जी तेल बनाते हैं। जो चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये वाला चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है? 1 टेबलस्पून कास्टर ऑयल, 2 टेबलस्पून फ़िश ऑयल, 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ये 4 हेयर सॉफ्ट कैप्सूल। इसके अंदर मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपके सामने आती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने ऑयल को, सब ऑयल्स को मिक्स कर लिया है, जो कि ये थे, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है ताकि आसानी हो। ये सब ऑयल्स हैं, इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। इसको अब हम एक दफ़ा हिला देते हैं अच्छी तरह, ठीक है? अब ऑयल लगाने की सर पे बारी है। सर पे ऑयल इस तरह लगाने के 2 प्रेशर पॉइंट्स बना लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है? 2 प्रेशर पॉइंट्स का मतलब है 2 जगह सर पे हाथ रख लेने और उस पे मसाज करनी है पूरे 1 मिनट, बाकी बालों पे उस तरह ही लगा लेने। प्रेशर पॉइंट बना के आपने 1-2 जगह पे 1 मिनट मसाज करनी है, बाकी सर पे ऑयल लगाना। चलें जी, अब तेल लगाने का टाइम है, तेल लगाते हैं। और यहाँ पे जी फ्राइज़ बन रहे हैं, फ्राइज़ भी आप लोग को दिखा देती हूँ। तेल लगाएंगे और साथ साथ फ्राइज़ खाएंगे। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अब हमने ऑयलिंग कर ली है, सही है? अब हमने 5 से 6 घंटे तो मिनिमम बाल रखने ही रखने हैं ऑयल के अंदर। अगर आप लोग ओवरनाइट चाहते हो ओवरनाइट रख लो, लेकिन 5-6 घंटे से कम नहीं हमने ऑयलिंग रखना, ठीक है जी? अब चले जी, बाल वॉश करने की बारी है। बाल वॉश करते हैं फिर आते हैं। अब तेल लगाने के बाद हम लोगों ने नहाना है। आप लोग गर्म पानी से बेशक नहा रहे हैं, ठंडे से नहा रहे हैं, नीम गर्म से नहा रहे हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल है आप नहाएं, ठीक है? सर्दियां हैं तो सब गर्म से ही नहाएंगे। आप लोग कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बालों को सूट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो यूज़ करना चाहते हैं स्वेव का ये कर ले, ये केमिकल फ्री होते हैं। शैम्पू मेरा इसका ख़त्म हो गया है, कंडीशनर भी मेरा इसका ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है? उसके बाद शैम्पू मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शैम्पू, पामोलिव का, ये यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर यूज़ करना शर्त है, जब शैम्पू करना है कंडीशनर लाजमी 5 मिनट लगाना ही लगाना है नीचे नीचे वाले बालों पे, हमने सर पे नहीं लगाना इसको, ठीक है? नीचे नीचे सिर्फ कंडीशनर 5 मिनट्स लगा के फिर हमने बाल वॉश करने हैं,
चलें जी, अब मैं बाल वॉश करके फिर आपको अगला स्टेप बताती हूँ। हाँ जी, तो अब बाल वॉश कर लिए हैं, कंडीशनर भी लगा लिया है, 5 मिनट शैम्पू भी कर लिया है, मैंने 2 दफ़ा शैम्पू किया था। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, गर्म पानी से नहाते हैं, बाल हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये मैंने ठंडा पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी है। अब हमने बाल को लेके इसके अंदर सिर्फ टिप्स इसके अंदर डिप कर देनी है। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट तो कम अज़ कम करनी ही करनी है, सिर्फ थोड़े से बाल इसके अंदर डिप कर दे रहे। ठीक है, ये बिल्कुल ठंडा यख पानी है, इसके अंदर डिप कर देने हमने 1 मिनट के लिए। 1 मिनट होने वाला है, बस हो गया हो गया, बैठे रहो स्किप ना करना वीडियो। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, that's it। अब जी हमने इनको निकाल लेना है और टॉवल से हम इनको सुखा लेंगे। जनाब, अब हम लोगों ने नहा भी लिया, उसके बाद बाल कॉम भी कर लिए, ट्विस्ट करके नीचे हल्के हल्के जर्क्स के साथ हमने नीचे वाले सिर बालों को कॉम करना है, ऊपर वाले बालों को कॉम नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ऑलिव ऑयल सिर्फ नीचे नीचे लगा के एक बार अगेन हल्का सा ब्रश मार लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारे 60% बाल ड्राई हो जाएंगे, हम लोगों ने हल्का सा बन बना लेना है, लेकिन बन हमने क्लिप के साथ बनाना है, पूर्णी इस्तेमाल नहीं करनी है। बन बनाने का ये मकसद होगा कि आपको जो मॉइस्चर होगा बालों का लॉक हो जाएगा, नहीं पहनियाँ जुआ, नहीं पहनियाँ जुआ। ठीक है जी, आप लोग का मॉइस्चर लॉक हो जाएगा। आप लोगों ने 20 मिनट्स बन बना के रखना है, 20 मिनट्स के बाद खोल लेना है, अब फिर नॉर्मल पूरे बाल सूखने देने। ये अगर आप लोग डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आप लोग के बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाल रूखे सूखे तब लगते हैं जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं सूखने के लिए, कि जिस तरह मर्जी सूख जाए, जब सूख जाएंगे तो हम उनको बांध लेंगे। नहीं, हम लोगों ने जब 60% बाल ड्राई हो जाएंगे, बन बना ट्विस्ट करके बालों को बन बना लेना है हल्का सा, ताकि मॉइस्चर हमारा बालों का लॉक हो जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं अब चार्ट की तरफ, जो कि ये हमारा 30 डेज चैलेंज है। 30 डेज के बाद 15 डेज का हम गैप देंगे, उसके बाद दोबारा ये चैलेंज कर लेंगे। ये इतना आसान चैलेंज है, आप लोगों ने इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप लोग के बाल हसीन हो जाएंगे। ठीक है जी, सबके बाल हसीन होते हैं, बस केयर करने की ज़रूरत होती है। चले जी, अब चार्ट की तरफ चलते हैं। ये है चार्ट आप लोगों के सामने हाजिर, बहुत ईजी चार्ट है, मतलब इतना ईजी है, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। ठंड गर्मी की तो बात ही कोई नहीं है, अगर आप लोगों ने इसे फॉलो कर लिया, ठीक है ना, आप लोग 1 महीने में आप लोग डिफरेंस देखेंगे, पहले क्या बाल थे और अब क्या बाल है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इधर 5000 MCG लिखा हुआ है, इधर 10000 MCG लिखा है। मेडिकल स्टोर में कुछ लोगों को 10000 मिल जाएगी, और छोटे शहरों में और छोटे मेडिकल स्टोर्स में आप लोगों को 10000 MCG नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को 5000 MCG मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 5000 MCG इस तरह खानी है, बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन बायोटिन खाने की तरीका डिफरेंट है। 5000 MCG हमने 5 दिन खानी है, और सैटरडे संडे हमने छुट्टी करनी है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंडे थर्सडे फ्राइडे तक हमने डेली खानी है, एक सुबह नाश्ते के बाद, उसके बाद सैटरडे संडे हमने छुट्टी करनी है। तो 10000 MCG है, हमने 1 दिन खानी है, 1 दिन छुट्टी, 1 दिन खानी है, 1 दिन छुट्टी, 1 दिन खानी है, 1 दिन छुट्टी, और 1 दिन खानी है, ये इस तरह खानी है। जो मैं खाती हूँ वो बायोटिन नेचर्स बाउंटी की 10000 MCG है, ये मेरा ढक्कन टूटू हो गया था, जो कि इस तरह की दिखती है। ठीक है, 1 दिन खा के मैंने, ये देखो आज थर्सडे है ना, आज मैंने नहीं खाई, कल मैंने अपनी बायोटिन 1 ले ली थी, आज मेरी छुट्टी है, फ्राइडे कल है, मैं कल 1 खाऊंगी, फिर छुट्टी करूंगी, फिर 1 खाऊंगी। ठीक है, अब हम ये पूरा चार्ट देख लेते हैं। अब आप लोग दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो भी बायोटिन मिलेगी आपने उस तरह इस चार्ट को फॉलो करना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस मेरी बायोटिन का भी ले लीजिए। ये 3000 की बायोटिन है, ज़रूरी नहीं है आपने इतनी ही लेनी है, इतनी एक्सपेंसिव लेनी है। अगर आप लोग सस्ती लेना चाहते हैं सस्ती ले लें, सिर्फ बायोटिन होनी चाहिए, एक जैसा असर करती है और कोई फ़र्क नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, आप लोग किसी भी ब्रांड की किसी भी कंपनी की बायोटिन ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मंडे को हमने क्या करना है। बायोटिन लेनी है, 10 स्पून खाने हैं दही के,
दही से हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं, हम लगाएं क्यों, लगा के ज़ाया हो जाएगा, अगर हम अंदर क्यों ना अपने फेंके तो ज़्यादा अच्छे बाल होंगे। ठीक है, हमने इधर भी बायोटिन ले ली, सुबह के टाइम 10 स्पून दही के खा लिए, उस पर दूसरा बायोटिन लेंगे और एक अंडा खाएंगे। यहाँ पे बायोटिन की छुट्टी है, हमने एक अंडा खा लिया, बॉयल खा लो, फ्राई खा लो, आमलेट बनाए खा लो, जिस तरह मर्जी, जो दिल करता है, जिस तरह दिल करता है खा लो। ठीक है, आजकल तो सर्दियाँ हैं, आप लोग कच्चा अंडा भी दूध में डाल के पी सकते हैं अगर कोई पीना पसंद करता है। अच्छा, वेनसडे को बायोटिन खा ली, ऑयलिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया था, बाथ का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था, एक अंडा बॉईल करके खा लीजिए। हेयर बन बना रहे हैं 60% जब बाल ड्राई हो जाएं, जैसे कि मैंने आपको नहाने के तरीके में बता दिया था। इधर भी बायोटिन खा ली, सेम वही तरीका है। ठीक है, थर्सडे को बायोटिन खा ली, बस जनाब और कुछ नहीं करना, इस तरह हमारी बायोटिन की छुट्टी है। फ्राइडे को बायोटिन खा ली। अच्छा जी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब नहाना है तो ही हमने बाल ब्रश करने हैं, बाकी हफ्तों के दिनों में कोशिश करनी है कि हम लोगों ने अपनी उंगलियों से बाल ब्रश करने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ जब नहाती हूँ उसके फिर थोड़े से नीचे से टिप से बाल ब्रश करती हूँ, जब सूख जाते हैं फिर बाकी बाल ब्रश करती हूँ, बाकी हफ्ते के दिनों में अपने फिंगर से कॉम करती हूँ। फिंगर से कॉम करने से होता है बाल बहुत कम टूटते हैं, जब बाल कम टूटेंगे तो हमारे बाल अच्छे रहेंगे। अच्छा जी, ठीक है, फिंगर कॉम कर ली, उसके बाद हमने चुटिया बना ली घंटे या दो घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि आप लोग के बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद इधर भी सेम प्रोसेस है, इधर बायोटिन की दोनों दिन छुट्टियां हो गई हैं, इधर हमने ऑयलिंग कर ली, बाथ कर लिया, हफ्ते में दो दिन ऑयलिंग और बाथ करना ही करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप वेनसडे को करो, आप ट्यूसडे को कर सकते हो, ये बस बायोटिन खाने के तरीके सेम रखने हैं आपने, बाकी आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ वेनसडे को करूँ ऑयलिंग और मैं करूँ सैटरडे को ऑयलिंग करूँ। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी है। उस बस संडे को हमने क्या करना है जी, अपना हमने दिमाग थोड़ा तेज़ कर लेना है, 10 बादाम खा लेने हैं और इधर भी 10 बादाम खा लेने हैं, बायोटिन खा लेनी है, इधर जनाब साहब बायोटिन की छुट्टी है स्कूल से। उसके बाद ये आप लोग दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेफेस्ट तरीका है बालों को सही करने का। आप लोग इसको करो और आप लोग ने महीने बाद मुझे बताना है कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। इंशाल्लाह 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 फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे गेस्चर्स हैं, इनको करने की वजह से ना आप लोग का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सही प्रॉपर ना क्या कहते हैं, लॉक नहीं करते बालों को मॉइस्चर। जब मॉइस्चर लॉक हो जाता है ना तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने प्रॉपर की चार्ट देख लिया है जो कि मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को मैंने समझा भी दिया है कि किस तरह करना है किस तरह नहीं करना है, इजीएस्ट हेयर केयर रूटीन है। आई प्रॉमिस 7 दिन में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर फर्क ना पड़ा तो दूसरे हफ्ते पै जाएगा, छेती यानी किस गल दिया। ठीक है जी, फर्क पड़ेगा, 30 डेज में फर्क पड़ेगा। अब क्या करना है, हमारे 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, 10 दिन रेस्ट कर लो, 10 दिन के बाद दोबारा ये स्टार्ट कर लो। 10 दिन ना बायोटिन खानी है, ना कोई ऑयलिंग करो, कुछ भी ना करो, 10 दिन रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद 10 दिन के बाद दोबारा से हमारा महीना शुरू हो जाएगा, फिर महीना करो, फिर 10 दिन गैप दे दो। इस तरह क्या होगा कि आप लोग के बाल अच्छे रहेंगे, आप लोग आदत भी नहीं एक चीज़ की होगी और आप लोग के बाल अच्छे रहना शुरू हो जाएंगे। जब एक अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो स्टार्ट ही हो जाता है, आप लोग बेहतरी की तरफ, आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे तो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा अब बात हम कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किन किन ने बायोटिन नहीं खानी और किन किन ने खानी है। प्रेगनेंसी में बायोटिन नहीं खानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिंस देते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी बायोटिन मौजूद होता है, 35 mg या 30 mg MCG इतना मौजूद होता है, इतना ही खाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए प्रेगनेंसी में आप लोग नहीं खा सकते। जो औरतें फीड करवा रही हैं बच्चों को, उन्होंने अपने डॉक्टर से पूछ के करना है, क्योंकि ड्यूरिंग फीड डॉक्टर्स हमें मल्टी वाइटमिन देते हैं, उसके अंदर भी बायोटिन होती है, किसी चीज़ की भी ज़्यादती नुकसानदेह होती है, इसलिए हमने किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी। जनाब साहब एक दिन बायोटिन खा ली, ओहो बाल ठीक ने, 4 इकट्ठी खा लेते, नहीं जी 4 इकट्ठी नहीं खानी, फ़र्क पड़ता है, लेकिन आहिस्ता 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 पड़ता है। उसके बाद बारी आ जाती है कि कुछ लोग लड़कियाँ पूछें कि हम लोग सीड साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम बायोटिन ले सकते हैं, जी आप ले सकते हैं। फिर पूछेंगी मोरिंगा हम यूज़ कर रहे हैं, हम बायोटिन ले सकते हैं, जी हम ले सकते हैं। उसके बाद पीरियड्स के दौरान भी हम लोग बायोटिन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं वो बायोटिन ले सकते हैं, बायोटिन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बायोटिन हमारी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी। वही बात, किसी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, जिस तरह मैंने आपको चार्ट में बताया है उस तरह इस्तेमाल करें, 10 दिन का महीने बाद गैप दें, कुछ भी नहीं होगा। सांस चढ़ जाएगा मुझे बोल बोल के, इतना बोलती हूँ ना मैं, इतना ज़्यादा। अच्छा जी,
आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि आजकल ये सबकी ज़रूरत है। इससे इजी ना आपको हेयर केयर रूटीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। इतनी सस्ती हेयर केयर रूटीन है, आप लोग करना शुरू कर दो और इसको फॉलो करते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है इसको, ठीक है। आप लोग के बाल भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और बस एक आप लोग से गुजारिश है, अगर आप लोग फॉलो करें तो एक छोटा सा कमेंट, ये वाला ये वाला एक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन लोग फॉलो करें हैं, ठीक है जी। ओके जी, अपनी दवाओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को लिपस्टिक का शेड बताना है अपना। लिपस्टिक का मेरा शेड है रिवाज की, इस तरह की ये पेंसिल है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। थोड़ा सा मैं डार्क करके बता देती हूँ आप लोग को, इस तरह की दिखती है। बहुत ही प्यारा पर्पलिश पिंक सा ये कलर है। इसका नंबर है 008 पिंक, ठीक है जी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा 008 पिंक। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।